के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको उबाल के, अगर आपको बहुत ज़्यादा जिस तरह की बॉडी में ख़ारिश वगैरह हो रही है, इचिंग हो रही है, या आपकी बॉडी सर्दी से जिस तरह लगता है ना कि फट फट से जा रही है, तो आप उसको उबाल के उसके पानी से भी आप अगर अपने बॉडी वॉश करेंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है और साथ ही मैंने जो है 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है टोमेटोज में, और ये टोमेटोज को हम इस पर जो है सिर्फ और सिर्फ इनको जो ग्रिल करेंगे। इसकी खुशबू आप देखिएगा बाद में कैसी होती है, फौरन बहुत अच्छी निकलती है। ग्रिल करने से चीज़ों की वैसे तो अरोमा बहुत ज़बरदस्त निकलता है। ये आप देखेंगे इसका ग्रिल करके, ये यहाँ थोड़ा सा हम अभी ग्रिल कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ये ग्रिल होता चला जाएगा। अच्छा, और साथ ही मैंने जो है अब ये कीमा जो है ये देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, थोड़ा सा अगर आप इस तक में भी देखें कि कीमा अगर हो गया तो उसके बाद चीज़ें भी ऐड कर लें। गर्म है, बहुत बहुत गर्म है, पानी सूख जाएगा तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा ठीक है, बन गया। तो ये कीमा में थोड़ा सा टाइम अभी लगता है, इसको हम पकने देते हैं उतनी देर तक। अच्छा जी, और अभी चूल्हे पे बस ज़्यादा नहीं है इसलिए मेरी भी पीछे रेसिपी जो वो भी हो रही है, वैसे तो एक ही रेसिपी का हिस्सा है। यहाँ पर मैं जिसमें मैंने एक बात ये ऐड कर रखी थी कि अक्सर औकात होता यही है कि हम एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं और फिर जो भारीपन होने लगता है। भारीपन को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर तो यही कि आप ग्रीन टी पिए। अच्छा, ये मैं बाकी के बेजोज और ये भी जो है ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, अच्छा ये अभी कीमा तो होता चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और टिप जरूर देना चाहूँगी कि आप जो भी है, जो भी जब आप बेजल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इनको जो है इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने खाली जो चबा लिया और चबाने के बाद भी इसमें जो है आपका एक माउथ फ्रेशनिंग हो जाती है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दांतों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, जिससे आपने जो है दालचीनी का इस्तेमाल किया, काली मिर्चों का इस्तेमाल किया, ये सब आपके दांत जब आप चबाते हैं ना तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत मुफीद होता है। आप सही कह रही हैं। और देखिए, कुछ चीज़ों में ऐसा होता है ना कि आपके दांतों को चाहिए कैल्शियम एंड फ्लोराइड, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप स्ट्रिंग करते हैं तो आपके दांतों को फ्लोराइड मिल जाता है, और अरोमा इसका इतना अच्छा होता है, जो बैड स्मेल होती है मुँह से वो भी चली जाती है। और दालचीनी की आपने बात की है तो दालचीनी का एक टिप है, मैं पहले भी दे चुकी हूँ, जिनको औलाद नहीं होती बहुत सारा, मतलब वैसे तो सही है लेकिन कि फिर भी औलाद नहीं हो रही है, तो उसका यह है कि निहार में आप दालचीनी पाउडर, देखिए दालचीनी पाउडर क्या करते हैं, आप एक साथ बना के रख लेते हैं। दालचीनी में एक वॉलेटाइल ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल, वो एवोपरेट कर जाता है, वो उड़ जाता है। ये ना क्या करें, आप जब आप इस्तेमाल करें उसी वक्त आप सिनेमन स्टिक को आप क्रश कर लें, क्रश करके पाउडर बना लें, और पाउडर बना के फिर उसको शहद के साथ आप अपने गम्स पे लगाएं, निहार मुंह, मुंह धोए बगैर, जैसे मतलब कि कुल्ली करने के बाद नहीं, निहार मुंह आपने अच्छी तरीके से गम्स पे लगा के फिर वो आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना अंदर लेना है। आप अगर मियाँ भी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ये करना है तो इससे भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये टिप बता रही हूँ। जो बेऔलाद लोग होते हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही थी किसी वजह से, वो ये करके देखें, उनको बहुत बहुत फायदा होगा। That's really good. अच्छा, यहाँ पर ये टमाटर हो गए, अच्छा सा वो निकल भी रहा है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा सा इनका जो है एक अरोमा भी आ रहा है। फिर तो जो ब्रेड कह रही थी बिछाने के लिए वो होगा ये। और जिस तरह आपने इस तरह ग्रिल किया है ना, अगर मतलब कि जो मोटापे से बचना चाहते हैं उनके लिए भी टमाटर बहुत अच्छा है, क्योंकि वाइटामिन सी का भी सोर्स है, वाइटामिन ए भी टमाटरों में होता है, मतलब आपके न्यूट्रिएंट को न्यूट्रिएंट भी आपको मिलेगा, और आपको ओबीस या बहुत ज़्यादा एक्सेस मोटापा है उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगा। जिस तरह नाजिया ने ब्लैक पेपर वगैरह सब इस्तेमाल किया, इसके साथ आप लहसुन इसमें मिला लें और ग्रिल करके खाएं, देखिए इससे आपको बहुत फायदा होगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। मगर टमाटर के बीज जो है वो ना इस्तेमाल करें, जिनको किडनी में स्टोन बनने की, बाद लोगों के किडनी में स्टोन बनते हैं तो उनके लिए टोमेटो सीड्स जो है वो सही नहीं है, तो टमाटर के सीड्स इस्तेमाल ना किया जाए। टमाटर के टमाटर प्यूरी आप यूज कर सकते हैं लेकिन सीड्स जो है वो स्टोन बनाता है, क्योंकि सीड्स वही है कि ये इसका जो आई थिंक इसका प्रॉब्लम ये है कि किडनी भी जो है सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है, तो उसके लिए आप जो है इसके बीज, वरना टमाटर कोई नुकसान नहीं करता।
वरना टमाटर लोग अक्सर यही डर जाते हैं, वो टमाटर नहीं खाने चाहिए, इससे किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ कोई नहीं, बात ऐसा नहीं, कुछ नहीं। बाज लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो जो है आपकी उसकी उनकी किडनी पे खुद ही, अगर आप दूध भी पियेंगे तो वो जो है ना हार्ट कैल्शियम बना के स्टोन किडनी में बना सकता है। एग्जैक्टली एक बाज लोग जिनकी टेंडेंसी होती है उनमें होती है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हम जो है ना सूप दोबारा से उठा लेते हैं। हाँ बहुत गर्म है ये, आप नहीं उठाइएगा, आपका हाथ तो नहीं जला? नहीं नहीं अच्छा। गर्म नहीं है क्योंकि ये जो है ये बहुत गर्म होता है, इसलिए इसको खोल के हम यहाँ रख देते हैं सेपरेटली। ओके, अब हम सूप दोबारा से लेंगे। सूप में मैंने जो है ऐड कर दी थे सौते करके मशरूम्स, उसमें आपने काली मिर्ची मिलाई थी, नमक मिलाया था। हाँ काली मिर्ची मिलाई और नमक मिलाया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत काली मिर्ची दो चार, ठीक है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ उसमें सिनेमन स्टिक, ठीक है। और जायफल जो है वो मैं सिर्फ चुटकी भर डालूंगी जस्ट फॉर द टेस्ट। और इसी में मैं ऐड करूंगी पुदीने के पत्ते जो अच्छा देखिए चार से पांच डाले, एक सेकंड में सिर्फ ये ऐड कर लूँ। और इसी में मैं फिर ऐड कर रही हूँ पार्सले जो हल्का सा चॉप करके करेंगे। इसमें मैंने पार्सले ऐड किया एंड दैट इज इट। अब वापस जब हम आएंगे, वापस आके मैं इसमें जो है ऐड करूंगी चक्की का आटा और आप देखिएगा कि उसके बाद ये सूप थिक हो जाएगा। तब तक इसको थोड़ा सा हम पकने देते हैं, इसके साथ ही लेते हैं ब्रेक, ब्रेक बाद वापस आएंगे, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। और अभी कीमे में मैं ऐड कर रही हूँ भर भर के धनिया और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है मिर्चे भी, ठीक है। अच्छा साथ ही इसमें मैंने जो बेजल लीफ बच गए थे उनको मैं तोड़ कर जो है ऐसे डाल रही हूँ ताकि इसकी जो खुशबू है वो पूरे कीमे में आ जाए। और इसमें चुटकी भर आप अगर जायफल डाल दें तो आपका ये कि ये और ज़्यादा इसकी अरोमा खुशबू मज़ेदार हो जाएगी। अच्छा जी, अब आखिर में मैंने इसमें जो है ये थोड़ा सा और काली मिर्च ऐड कर ली ताकि इसका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट और मज़ेदार हो जाए। अच्छा इसमें मैंने ब्रेक के दौरान डाल दिया था आटा और इतना आटा डालना है ठंडे पानी में डालकर कि ठंडे पानी में पहले मिक्स कर लें आटा, आटा आटा मतलब चक्की का आटा ठंडे पानी में मिक्स करके कि ये जो है ना ये गाढ़ा हो जाए। आप इस सूप को निकालें और मुझे आप ये डिश दे दें, मैं ये डिश आउट करूं और इसका फिर भिगाड़ भी दे दें। अब डिश का भिगाड़ भी आपको बताएंगे कि कैसे से देना आपने। चलिए आपने यहाँ पर लेना है एक फ्राइंग पैन। चलिए फ्राइंग पैन में आपने लेना है बिल्कुल चंद कतरे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, उसमें आपने जो है हल्का सा जीरा जो है वो भिगोना है और फिर हम लेंगे इसमें आई थिंक ऑलराइट कीमा भी तैयार हो गया, कीमा भी तैयार है। इसमें हम ले लेंगे दही। अच्छा जी, दही लेकर हमने इसमें जो है थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक भी डालना है, हल्की सी हमने काली मिर्च ऐड करनी है और जो मेन इसका जूस है वो है कुट्टी मिर्च, कुट्टी भी लाल मिर्च, इसका हम भरार देंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें एक दो पत्ते कड़ी पत्ते इसको तोड़ कर और चंद बेजल लीफ ताकि इसकी भी जो खुशबू है सर ये आप कीमे के लिए बना रही हैं? जी कीमे का भिगार है और कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हम डिश आउट करेंगे। ये हमने इस तरह बेड बिछाया हुआ है, अब चाहे तो और भी ले सकते हैं टमाटर और चाहे तो आप इतने भी टमाटर ले लें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर वाले कितना टमाटर खाना जो है वो पसंद करते हैं। और टमाटर ग्रिल्ड है तो उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल अच्छा, ये जो है तैयार, ये देखें इसका भेदार भी तैयार हो गया है। इसको हम जो है बस ये हम डाल देंगे ऐसे कीमा और
एग्जैक्टली इसका अच्छा अब आ रही है सर्दियाँ, सर्दियों में बच्चों के लिए इन्फेंट बेबी जो अभी पैदा हुए हैं छोटे से बच्चे एक साल तक के बच्चों के लिए ये है कि जायफल को आप थोड़े से अगर मदर फीडिंग पे तो माँ के दूध के साथ जरा सा घिस के जिनका सीना जकड़ता है बच्चों का तो आप ये देना चटाना शुरू करें या तो अपने दूध के साथ मदर फीड पर हैं या तो आप जो ऊपर का दूध टॉप फीड वगैरह देते हैं उसके साथ दें तो जो सीना जकड़ता है पसलियां चलती हैं नमूनिया तक हो जाता है तो ये घरेलू टिप है कि आप बच्चों को दें इससे इंशाल्लाह आपका इन्फेंट बेबी जो है सर्दी के असरात से बचाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अगर सीना जकड़ा हुआ है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी टिप है। बिल्कुल, और हमने सूप के ऊपर भी हल्का सा पार्सले ऐड कर दिया है और ये हमारा सूप और साथ में कीमा विद टोमेटो ब्रेड बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह और टिप्स के साथ और रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। टेबलस्पून जो है वो चॉप किया हुआ प्याज ले लेना है, बल्कि दो ग्लास ऐड ऑलिव ऑयल, एक कप चॉप प्याज। अब आप इसमें जो है ना डाल देंगे काली मिर्च, कीमा जरा सा फ्राई करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनको जो ग्रिल करेंगे। तो मोटापे से बचना चाहते हैं उनके लिए भी टमाटर बहुत अच्छा है क्योंकि वाइटामिन सी का भी सोर्स है, वाइटामिन ए भी टमाटरों में होता है। और जायफल जो है वो मैं सिर्फ चुटकी भर डालूंगी